आदाब, आज हम बनाएंगे अंगूर मिल्क शेक। अंगूर मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी अंगूर लिया है, जिसे हमने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है अंगूर को। और फिर हमने यहाँ पे कोल्ड दूध लिया है, ये बहुत ही ठंडा दूध है। और फिर हम चीनी टेस्ट के हिसाब से देंगे, आपको जितना मीठा खाना पसंद हो उस हिसाब से चीनी डालें। और फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच के करीब फ्रेश दूध का मलाई लिया है। आप चाहे तो दूध के मलाई के जगह में आप क्रीम भी ले सकती हैं। और फिर हमने यहाँ पे 5-6 हरी इलायची ली है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है, हम इसमें ये अंगूर डाल देंगे और फिर हम चीनी भी डाल देंगे, इलायची, और फिर हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद हम आपको दिखाएंगे। अंगूर चीनी वगैरह को हमने पीस के इस तरह से पेस्ट बना लिया है, हमने इसे बहुत महीन पीसा है। अब हम इसमें ये दूध का मलाई डाल देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। हमने और दूध इसमें डाल दिया है और फिर से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। मिल्क शेक को हमने ब्लेंड कर लिया है, हमें इसे बहुत ज़्यादा देरी तक नहीं करना है। मैंने इसे 30 सेकंड के करीब ब्लेंड किया है। अब ये मिल्क शेक हमारा बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी बना है। अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे। हम इसमें सबसे पहले आइस क्यूब डालेंगे। अंगूर मिल्क शेक हमारा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। थैंक यू।